यूनिवर्सिटी के तमाम टॉप कॉलेज की सैर आप कर चुके हैं, लेकिन आज जिस कॉलेज में हम आपको लेकर आए हैं वो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है स्टार का स्टेटस। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दौलत राम कॉलेज को दिया है स्टार का स्टेटस। स्टार कॉलेज है ये, और क्या खासियत है दौलत राम कॉलेज की, आइए आपको ले चलती हूँ चले कैंपस के इस सफर में। मैं हूँ आपकी होस्ट गीता शर्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का दौलत राम कॉलेज, ये कॉलेज भी काफी फेमस है और गर्ल्स के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि दौलत राम कॉलेज के बारे में इन्होंने अब तक क्या सुना है। अगर हम दौलत राम कॉलेज की बात करें तो DU का एक ऐसा कॉलेज है जो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, आपने क्या सुना है इसके बारे में? मैम, हमने सुना है कि यहाँ की फैकल्टी टीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कोर्सेज भी अच्छे करवाए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ के लिए अप्लाई किया। स्पेशली फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज। फॉरेन लैंग्वेज में आप ट्राई कर रहे हो? लाइक फ्रेंच, जर्मन एंड स्पैनिश। चलो, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एडमिशन जल्दी मिल जाए आपको DU के किसी अच्छे कॉलेज में। और जिस तरह से अगर हम दौलत राम कॉलेज की बात करें तो यहाँ गर्ल्स स्पेशली आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ की फैकल्टी और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो अपने आप में काफ़ी फेमस हैं DU के हिसाब से, और DU के टॉप कॉलेजेस में से एक है दौलत राम कॉलेज। स्टेज की लाइट्स ऑन होते ही शुरुआत होती है शो की, और इस शो की शुरुआत अगर 1300 लोगों के सामने हो तो कैसा रहे। दौलत राम कॉलेज का ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी 1300 लोगों की है। शायद ही दिल्ली में इतना बड़ा कोई हॉल होगा जहाँ पर 1300 लोग एक साथ बैठकर कोई प्रोग्राम देख पाएं, लेकिन यहाँ दौलत राम कॉलेज की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंतजाम है। जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होती है उसे सब लोग एक साथ बैठकर देखते हैं। अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की ही बात करें तो वो भी आराम से यहाँ पर बैठकर अपने साथियों की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं, और इसके साथ ही कई ऐसे इवेंट्स भी यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो यहाँ की जो कैपेसिटी है उसको बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल की जा सके। तो दौलत राम का ये ऑडिटोरियम है, बहुत ही खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट ये ऑडिटोरियम है जिस पर दौलत राम कॉलेज को नाज है। दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक यूनिक कॉलेज है, यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ की पढ़ाई के बारे में और बात करते हैं। हमारे साथ है दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं और दौलत राम कॉलेज को। डॉक्टर सविता रॉय, अगर हम दौलत राम कॉलेज की बात करें, नए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आने वाले हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं, सबसे पहले क्या बताना चाहोगे आप दौलत राम कॉलेज के बारे में? सबसे पहले तो ये दिस इज़ द वुमेन्स कॉलेज, second women's college in the campus, and the only college which has got almost all the branches of all the streams, science, humanities and commerce. And this is the college which has got the star status from the Department of Biotechnology, and we are catering to the holistic development of the student. Yahan bacche aate hain aur hum chahte hain ki ek acche nagrik ke roop mein, acche insaan ke roop mein ubhre। स्टार स्टेटस भी यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला हुआ है इस कॉलेज को, उसको और डिफाइन कीजिए और जानना चाहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा। साइंस स्ट्रीम में प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत मुश्किल है। इस कॉलेज के अंदर हमारे जो टीचर्स हैं उन लोगों ने मिलकर के ऐसी फैसिलिटी डेवलप की है जिससे कि हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज में ही कराते हैं। तो इस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फैकल्टी एग्जिस्ट करती है, नॉलेज बेस है और स्टूडेंट भी हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गॉट ए स्कीम, उसमें हमारे कॉलेज को उन्होंने प्रमोट किया है, स्टार स्टेटस दिया है, दे आर गिविंग अस मतलब स्पेशल ग्रांट मिली है, और हम लोग उससे अपनी लैब्स बना, आधा तो काम हो चुका, बना चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट भी हुए हैं और आगे भी होंगे। तो ये स्टार स्टेटस हमारे साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी and botany, zoology and chemistry and biochemistry, all these science departments have got to put down their work together and they've got it. It's a unique drosophila center, uske upar experiments hote hain. Aur girl child ke liye kitna zaruri hota hai ek acha educational environment milna, aur yahan Daulat Ram College itne saalon se ye kaam kar raha hai. Daulat Ram College mein women education
फाउंडर का ये आइडिया वॉज वेरी इनोवेटिव इन द सेंस 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ऑफ वुमेन और वुमेन घर की चार दीवारी से जब निकल के बाहर आती है तो लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएट हो जाए और शादीवादी कर दो और ख़त्म लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो एक्सपोजर मिलता है आई हैव सीन बहुत सारे बीए प्रोग्राम में जो बच्चे हैं जैसे हिंदी के हैं जिनका एम नहीं होता कुछ करियर ओरिएंटेड दे लुक अदर स्टूडेंट्स हमारे बाकी बच्चों को देख करके वो मोटिवेट होते हैं मैं उनको देखती हूँ कि वो अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं प्लस यहाँ पर हमारा एक वुमेन डेवलपमेंट सेंटर है जो उनको गाइड भी करता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है हम प्रॉब्लम्स भी हैंडल करते हैं उनकी डे टू डे घरों की प्रॉब्लम जैसे होती है बच्चे आकर के बताते भी हैं हमारे काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हैंडल्स हमारे पास डेडिकेटेड वुमेन डेवलपमेंट सेंटर भी है NSS एंड NCC पीपल दे ऑल्सो रोप इन इंटू दिस वो उनको गाइड करते हैं कि नहीं अब आपका करियर है इफ यू अगर बनाना है तो कैसे कैसे जाना है क्या क्या ऑप्शंस ओपन है तो इस तरह से दौलत राम कॉलेज में अगर एक बार एक स्टूडेंट अंदर आता है तो हम चाहते हैं कि उसका पर्सपेक्टिव इतना एनलार्ज हो जाए कि वो सिवाय सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के स्किल लेकर के जाए और आगे जा करके विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सविता और जिस तरह से हम दौलत राम कॉलेज की बात करते हैं तो कई यूनिक फीचर इस कॉलेज के हैं और इस कॉलेज में जो गर्ल्स पढ़ने के लिए आती हैं उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट भी दिया जाता है कि वो अपनी ओवरऑल ग्रोथ के साथ इस कॉलेज से बाहर निकल सकें दौलत राम कॉलेज की आज जो पहचान है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में से एक है ये कॉलेज लेकिन इसके बनने की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1960 में इसे प्रमिला कॉलेज के नाम से जाना गया इसके बाद से ही इसे लगातार डेवलप किया गया तब यहाँ पर सिर्फ 13 प्रोफेसर 2 ऑफिस स्टाफ और सिर्फ 350 बच्चे थे लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 3000 से भी ज़्यादा है दौलत राम कॉलेज के कैंपस में हम घूमे यहाँ की फैसिलिटीज़ भी आपने देखी प्रिंसिपल से भी आपकी बात कराई आप कुछ प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस कॉलेज को हमारे साथ कुछ प्रोफेसर्स हैं सबसे पहले उनसे बात करते हैं कॉमर्स की प्रोफेसर है हमारे साथ मैम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी इस कॉलेज के बारे में हम जब नए स्टूडेंट्स को बताते हैं तो जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अलावा ये कॉलेज क्या है किस तरह की पढ़ाई यहाँ होती है हमारे कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं साइंस है कॉमर्स हमारे कॉलेज का बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है कॉमर्स में इसके अलावा साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और हिंदी ऑनर्स देर आर बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स जो बहुत ही कम कॉलेजेस में हैं फैकल्टीज़ की अगर बात करें DU की फैकल्टी बहुत फेमस है जिस भी कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि हमारी जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है क्योंकि हम ये बोलते हैं कि पढ़ाई जो होती है स्कूल से कॉलेज में कम होती है लेकिन यहाँ प्रोफेसर्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे डिपार्टमेंट के कट ऑफ्स देखें एडमिशन के ओवर द ईयर्स ये बढ़ते ही जा रहे हैं अब मान लो मनोविज्ञान को ही आप लेते हो जब मैंने यहाँ पर अपने नौकरी शुरू करी तब 65% होता था आज की तारीख में ये 95% होने को जा रहा है एक और दूसरा हम कहना चाहेंगे कि हमारे पोजीशन होल्डर्स बहुत हैं ना ही यूनिवर्सिटी लेवल पर नॉर्थ कैंपस में भी अब आप बायोकेमिस्ट्री को ले लीजिए कॉमर्स को ले लीजिए साइकोलॉजी को ले लीजिए जब बच्चों को हमारी इनटेक अच्छी है तो हमारी आउटपुट भी उतनी ही बेहतर है तो इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती मैं इसको नहीं मानूंगी पढ़ाई की भी हमने बात की अब थोड़ा सा पढ़ाई से हटके अगर हम कॉलेज की लाइफ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स मस्ती करते होंगे मज़े करते होंगे क्या टीचर्स उनके साथ में कभी पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं टीचर्स जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं और उनको फ्रेशर्स पार्टी देते हैं सीनियर्स उसमें हम बिल्कुल घुल मिल के बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं मैम थोड़ा सा मैं आपके ट्रेड सीक्रेट में जाना चाहूँगी अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें बहुत मस्ती करते हैं आपने प्रोफेसर्स के साथ में आपको याद है कोई ऐसी बदमाशी किसी स्टूडेंट की हाँ याद है बिल्कुल मुझे याद है जब एक फेयरवेल बच्चों ने ऑर्गेनाइज करा था तो उन्होंने एक छोटा सा स्किट बनाया था जिसमें हम सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए उन्होंने प्ले आउट करा तो तब हमें भी ध्यान आया कि बच्चे हमारे
तरफ किस ध्यान से सोचते हैं, तो वो वाला स्किट मुझे भी अभी भी याद है कि मुझे कहा गया था कि मैं बहुत नरम दिल की हूँ, और उसमें ये भी था कि मैं इंचार्ज भी थी। अब इंचार्ज का रोल तो हुआ कितना मुश्किल और कठिन और बड़ा ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता था, तो हमें एक टाइटल दिया गया था उस समय कि अ सॉफ्ट हैंड इन एन आयरन ग्लव, तो वो वाला हमारे दिमाग में अभी भी है। और इस तरह से बहुत यादगार स्टूडेंट्स की हैं, स्पेशली जो हमारे एलुमनाई बन के आते हैं। मैम, इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में आपने भी शायद ये किया होगा कि अपने प्रोफेसर्स की कुछ नाम वाम रखे जाते थे, तो क्या प्रोफेसर्स को भी कुछ पता होता है बच्चे किस नाम से बुला रहे हैं उन्हें? हमें बिल्कुल पता होता है। एक बार मेरे को एक फेयरवेल पार्टी में एक बच्चे ने ये कहा, मेरा नाम प्रीति है, तो हम प्रीति मैम जब क्लास में आती हैं तो सबसे पहले उनकी ड्रेस देखते हैं, उसके बाद उनसे पढ़ना शुरू करते हैं। और एक आध बच्चों ने ये भी कहा कि आप हमारे आइडल हो, हम आपके जैसा प्रोफेसर बनना चाहते हैं जो ऑलराउंडर हो और हमेशा हंसता रहे। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग ज़रूर इंस्पायर करते हैं अपने बच्चों को, नॉट ओनली विद गुड टीचिंग बट ऑल्सो विद गुड नेचर, और उनकी बात समझना, उनको उनके लेवल पर आकर उनके बारे में सोचना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैम, आपसे भी यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कुछ क्लास में सभी स्पेशल होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ होते हैं जो फेवरेट होते हैं अपने टीचर के, ऐसे स्टूडेंट्स को याद है आपको? हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं वो तो अच्छे लगते ही लगते हैं, लेकिन जो थोड़े शैतान होते हैं वो भी ज़रूर याद रहते हैं, और उनकी शैतानियाँ जो हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं हमको। सो ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमें याद हैं, और इनके साथ हम लोग पिकनिक्स पे और फेस्टिवल में और डिफरेंट ओकेजन्स में बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए, तो ये प्रोफेसर्स हैं दौलत राम कॉलेज की, जो यही बता रहे हैं कि जो पढ़ाई होती है वो भी दमदार होते हैं यहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो इतना वक्त वो गुजारते हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उनके साथ मस्ती भी होती है, मौज भी होती है, और उन्हें कुछ सिखाने के लिए कुछ अलग तरीके से भी वो कोशिश करते हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक स्टूडेंट की होनी चाहिए वो पूरी तरह से उसे मिले, और यहाँ से एक अच्छा सिटीज़न बनने की कोशिश वो करते हुए यहाँ से बाहर निकले।